Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. Today 4th February 2019 Monday है. अभी सुबह के 8:11 हो रहे. वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन है और बजट सेशन के बाद में फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है. तो आज क्या हो सकता है निफ्टी में, क्या लेवल्स हो सकती है इंट्राडे के लिए, देखते हैं. लेकिन थोड़ा सा जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, ट्रेडिंग फैब हर रोज सुबह निफ्टी एनालिसिस के बारे में, इंट्राडे लेवल्स के बारे में एक वीडियो पब्लिश करता है हर सुबह 8:30 के आसपास यूट्यूब चैनल के ऊपर. तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे अगर प्रेस किया है तो आपके मोबाइल पे मार्केट आवर्स के पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस वीडियो को मार्केट आवर्स के पहले देख सकते हैं. और एक बात है, ट्रेडिंग फैब ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का ऑथराइज पार्टनर है जो कि डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया में. और अगर आप इसका अकाउंट, इसमें से कोई भी एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग फैब की प्रीमियम सर्विसेज जो है वो आपको फ्री में मिल सकती है. ठीक है, तो देखते हैं आज निफ्टी इंडेक्स में क्या होगा, क्या लेवल्स होंगी. लेकिन उससे पहले जो फ्राइडे का एनालिसिस था बजट वाले दिन, उसका एक क्विकली रिव्यू करेंगे. ये एक पिक्चर है 1st February 2019, आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. तो ये 10 मिनट का चार्ट है. अगर आपने फ्राइडे का वीडियो अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो उस दिन के स्ट्रेटेजी के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल था 10,861 अगर टूअर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो, और अगर साउथ की तरफ बढ़ता है तो ब्रेकडाउन लेवल था 10,782. सो फ्राइडे जैसे ही हमारा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया निफ्टी इंडेक्स ने, तो इसने हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 10,886 ये अचीव्ड हुआ. और बाद में जो सेकेंड टारगेट था 10,906 ये भी अचीव्ड हुआ. तो फ्राइडे के स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और अगर 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था. ठीक है, तो आज क्या हो सकता है, क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है देखते हैं. लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देखना जरूरी है. फ्राइडे डाउ जोन्स में बढ़त देखने को मिली, 64 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली. नासडैक में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया, 17 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली. हालांकि यूरोपियन बाजार हरे निशान में बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो वहां पर अभी बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है. डाउ फ्यूचर देखे तो 34 पॉइंट की वहां पर बढ़त देखने को मिली और एसजीएक्स निफ्टी अभी थोड़ा सा प्रेशर में ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं. देखते हैं क्या हो सकता है, निफ्टी एनालिसिस करते हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. मंथली चार्ट से शुरू करेंगे एक बार फिर. तो ये अभी फोर्थ मंथ है जिसमें ये कंटिन्यूस जो अक्टूबर का हाई और लो है इसमें ये ट्रेड हो रहा है. बजट के दिन भी इसने अक्टूबर का हाई ब्रेक नहीं किया. ये जो अक्टूबर मंथ का कैंडल है इसका हाई और ये लो अभी तक 3 महीने हो चुके हैं, ब्रेक नहीं हुआ है. तो यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न बना हुआ है एज पर मंथली चार्ट, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है. नीचे 20 EMA का सपोर्ट है जो कि अराउंड 10,480 के पास है और ऊपर ये जो अक्टूबर का हाई है 11,035 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एज पर मंथली चार्ट. ठीक है, चलते हैं वीकली चार्ट में. वीकली चार्ट में कंटिन्यूस हम देख रहे हैं, 10 वीक हो चुके हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पर एक रेंज में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है. ऊपर 10,882 के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था. ठीक है, लास्ट वीक जस्ट इसके ऊपर क्लोज हुआ है, ग्रीन यानी बुलिश कैंडलस्टिक बना है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो लोअर हाई लोअर लो का बना हुआ है, यानी प्रीवियस वीक का जो हाई और लो है इसके नीचे ये जो लास्ट वीक का हाई और लो बना है, यानी ये अप ट्रेंड का पैटर्न नहीं है, डाउन ट्रेंड का पैटर्न है. हालांकि ये कैंडल जो है वो बुलिश है. ठीक है, और जस्ट अभी भी ये रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है. तो ये साइडवेज पैटर्न है, जब तक इसे कंफर्टेबली यहाँ पर ब्रेक नहीं करता आइदर नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, तो हमें यहाँ पर ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं मिल सकता. एक पैटर्न बन सकता है, इसका पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अभी भी अब अगर आप देखें ये जो लेफ्ट शोल्डर का हाई है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है. तो अगर यहाँ से निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है. ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये है राइट शोल्डर, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, अगर ये यहाँ तक आ जाता है और इसका ये जो
नेक लाइन है, अगर ये ब्रेक करता है तो हमें और गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देख सकती है। ये पॉसिबिलिटीज है, ये चार्ट हमें अभी शो कर रहा है, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है, लेफ्ट शोल्डर का हाई अगर ब्रेक करता है तो ये पैटर्न यहां पर नहीं बनेगा, फिर हमें एक अप ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ये भी पैटर्न यहां पर बन सकता है जो कि डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बजट भी देखे आप, अगर ध्यान से अगर आपने स्पीच सुना होगा तो ये लोगों को राहत देने वाला बजट था, जो भी बजट में बोला गया वो लोगों को एक प्रकार की राहत देने का प्रयास था। जो इलेक्शन आ रहा है तो उसके मद्देनजर बजट ऐसा हो सकता है, ये उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन जो ग्रोथ के लिए क्या प्लान्स है, गवर्नमेंट का अर्निंग कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। फिस्कल डेफिसिट था जो लास्ट टाइम का टारगेट था, वही सेम टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो ये इंटरिम बजट था, कंप्लीट बजट बाद में आएगा। ये राहत भरा बजट था, यानी ग्रोथ के बारे में जो पॉलिसीज है, प्लान्स थे, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहा गया, ठीक है। तो देखते हैं इसका असर क्या हो सकता है निफ्टी के ऊपर, मार्केट के ऊपर। ये था वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में फिर से एक बार ये जो 10,950 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस बना है, पास्ट में इसने यहाँ पर एज पर डेली चार्ट दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। तो लास्ट फ्राइडे भी यही देखा गया, जब ये इस लेवल के पास आया तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन का सिग्नल हमें मिला है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अभी जैसे इस पिक्चर में दिखाई दिया है वैसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। पास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि ऐसा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का पैटर्न जब भी आता है तभी एक डाउनफॉल आता है, ठीक है। हालांकि ये जब फॉर्मेशन होता है तभी सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि जितनी भी बढ़त थी वो उसने लास्ट मोमेंट में गवा दी और जहां ओपन हुआ था उसके आसपास ही आके क्लोज हुआ है। तो अभी ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है, इसका सिग्नल मिला है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर बियरिश कैंडल स्टिक बनना जरूरी है, तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। ये अभी फिलहाल सिग्नल है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। और एक चीज हमने पास्ट वीडियोज में देखा था, एक ऑब्जर्वेशन जहां पर 50 EMA, ये जो ब्लू लाइन है ये 50 EMA का लाइन है और 100 EMA का ये ग्रे लाइन है, जब ये दोनों 20 EMA के नीचे होते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई देता है तभी इंडेक्स में एक करेक्शन आता है, एक फॉल आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 EMA के नीचे 100 और 50 EMA है और इसका पॉजिटिव क्रॉसओवर बनने वाला है तभी यहाँ पर इंडेक्स में एक करेक्शन आता है, ये यहाँ पर एक करेक्शन आता है। और सेम पैटर्न अभी यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, ये अभी पॉजिटिव क्रॉस होने ओवर होने वाला है और यहाँ पर हो सकता है एक फॉल आ जाए फिर से, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। ऊपर में तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 10,950 का और नीचे यहाँ पर एक कंबाइन सपोर्ट कहा जा सकता है इसको, जहां पर तीनों मूविंग एवरेजेस एक साथ आ रहा है अराउंड 10,780 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है निफ्टी इंडेक्स में। क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं आज के लिए, 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। यह है 60 मिनट का चार्ट। अभी अगर निफ्टी अगर ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक करता है 10,864 टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,836, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है और 10,949 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय कर सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,980, ठीक है। तो ये थी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी। अगर आपको ये वीडियो ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।